वैसे हमारी पहली मुलाकात बहुत ठंडी थी। One bislery, please. Sorry, खत्म हो गई। Do you want some? झूठी है। ठंडी है। No thanks. कमाल है। मैं आपको कोल्ड ड्रिंक दे रहा हूँ और आप मुझे कोल्ड शोल्डर दे रही है। ह्यूमर अच्छी है, थोड़ा सेंस डालोगे तो सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक तो होगा ना? जी अभी लाया। वैसे आपके डैडी आतंकवादी है? He is a terrorist. क्यों? Because you're a bomb. I'm Rani. Hi. आशीष। हल्ला। खन्ना। Oh, right. तो धीरे धीरे रानी फ्रेंड से गर्लफ्रेंड बन गई। वैसे कॉलेज में एक और भी कैरेक्टर था, रोहित। प्यारा, दुलारा, कुत्ता, कमीना, मेरा बेस्ट फ्रेंड। रोहित की सारी बातें मुझे अच्छी लगती थी, सिर्फ एक बात अच्छी नहीं लगती थी कि जो लड़की मुझे अच्छी लगती थी वही लड़की उसको भी अच्छी लगती थी। तुम मेरे लिए प्यार में क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़कर ला सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बाजार से सब्जी, राशन, लॉन्ड्री सब कुछ ला सकता हूँ। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर सात समुंदर पार ले जाऊंगा। अरे मैं तुम्हें मुंबई की तेज बारिश में घुटने भर पानी में पार्क करवाऊंगा। मैं तुम्हें फेरारी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जैसी इंपोर्टेड गाड़ियों में सैर कराऊंगा। मैं तुम्हें ट्रेन, बस, रिक्शा में बिठाकर बांद्रा से बाइकला तक की सैर करवाऊंगा। मैं तुम्हें अमेरिका का ग्रीन कार्ड लाके दूंगा। अरे मैं तुम्हें मुंबई का राशन कार्ड बनवा कर दूंगा। स्वे रानी, मैं तुम्हें जिंदगी भर बहुत प्यार करूंगा। करूंगा, करेगा। अरे मैं तो ऑलरेडी प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। Well done, Ashish. Well done. Very good. Very good. डायरेक्टर, ये आशीष वाला रोल मुझे चाहिए यार। कौन समझाता कि भैया मेरी लव स्टोरी का हीरो मैं हूँ, तो लड़की मुझे ही मिलेगी ना। चलो, अल्टीमेटली लड़की तो मिल गई, दोस्तों ने मुबारकबाद भी दी, लेकिन मेरे थैंक यू नो मेंशन कहते ही मेरी लाइफ में टेंशन शुरू हुई। यू नो, आदम और ईव बड़ा सुखी कपल था। जानते हो क्यों? क्योंकि आदम का ससुर नहीं था, लेकिन मेरा था। ससुरा ससुर नहीं, मुसीबतों का पहाड़ था, पहाड़। ओ, तो तुम हो आशीष, रानी से प्यार करते हो लेकिन प्यार का मतलब ही समझते हो? देखिए पहाड़ जी, मेरा मतलब डैडी जी, हमारा प्यार रोमियो जूलियट, लैला मजनू जैसा मामूली प्यार नहीं है कि बस प्यार किया और एंड में जाके लूजर की तरह मर गए। हमें हैपनिंग और कामयाब प्रेमी बनना है। जानते हो, जितनी तुम्हारी आमदनी उतने पैसों के हम कुत्ते के बिस्किट खरीदते हैं। पर आप नॉर्मल क्यों नहीं ट्राई करते हो? क्रैक जैक, ग्लूकोज। शट अप, शादी करने आए हो? मेरी बेटी को पालोगे कैसे? इश्क की हवा से? तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है? मेरे पास माँ भी नहीं है, एक बहन है, पर वो भी अमेरिका में। पहले जाके 25-50 लाख रुपए कमाओ, बंगला लो, गाड़ी लो, फिर शादी की बात करने आओ। जय माता दी। What the hell यार, तू फिकर मत कर, मैं हूँ ना। तू बोले तो चुपचाप रानी के हाथों 10-20 लाख रुपए भिजवा दूं? नहीं ताऊ जी, प्यार करने का पंगा मैंने लिया है तो पैसे भी मैं ही कमाऊंगा। What the hell man, bloody what the hell यार, come on। मजनू और रोमियो को अगर नौकरी ढूंढनी पड़ती ना, तो पता चलता कि प्यार करना बड़ा आसान है, नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल। क्या बताओ, कहां कहां नौकरी नहीं ढूंढी, क्या क्या पापड़ नहीं बेले। मैं पापड़ फैक्ट्री में मैनेजर बन गया। इज्जत पापड़ कंपनी में अपनी इज्जत गिरवी रखकर मैं दिन के 5,000 पापड़ बनवाता था। मैंने ऊंची से ऊंची पोस्ट पर काम किया। आई लव यू रानी, आई लव यू रानी, आई लव यू। अपने ससुर की शर्तें पूरी करने के चक्कर में मैं इतनी टेंशन में आ गया कि धीरे धीरे मैं ड्रग्स लेने लगा। ड्रग्स यानी वो गांजा, चरस, कोकेन नहीं, तरह तरह की दवाइयां लेने लगा। पेट में दर्द हो तो सर की दवाई, सर में दर्द हो तो पैर की दवाई, आंख में दर्द हो तो नाक की दवाई, नाक में दर्द हो तो कान की दवाई। डॉक्टरों की भाषा में मैं बीमारी का दीवाना, वहमी, एस्टैब्लिश्ड हाइपोकॉन्ड्रियाक बन गया। सुनिए कदरवान, मेहरबान, साहिबान, ये 303 ताकत वाली गोली ले लो सिर्फ 50 रुपए में। अरे 50 रुपए में बैल की पूछ नहीं आती, शेर की मूछ नहीं आती, लेकिन ये गोली जरूर आती है। इसे खा के बन जाओ पहलवान और रातों रात बन जाओ सलमान। मुझे बनना है सलमान। भाई साहब मुझे 2 बोतल दीजिए, मुझे बनना है सलमान। कहीं भी, किसी को भी, कुछ भी बेच सकने की इस टैलेंट को एक एड एजेंसी के बड़े आदमी ने चलते चलते देख लिया। अमेजिंग गाय, कितना स्मार्टली झूठ बोलता है, इसे आज ही काम पे रख लो। और इस तरह मुझे एड एजेंसी में काम मिल गया। वहां मेरी मुलाकात शायर आजम कानपुरी से हुई। सुन, मैंने तुझको प्यार किया, तेरे बाप ने मुझको पीटा,
मैंने तुझको प्यार किया, तेरे बाप ने मुझको पीटा, तन की शक्ति मन की शक्ति बॉन वीटा, कैसा लगा? बहुत घटिया। द्रौपदी की साड़ी खींचना दुशासन को पड़ा भारी। द्रौपदी की साड़ी खींचना दुशासन को पड़ा भारी। साड़ी में साड़ी पराग साड़ी। वाह, क्या बात, वाह। Well done, mind blowing. You are a genius. Hey, आज से तुम हमारी कंपनी के नए क्रिएटिव डायरेक्टर हो। Yes. Oh. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. एड एजेंसी में काम करते करते मेरे पास एक घर आ गया, गाड़ी आ गई, 15-20 लाख जमा भी हो गए। अब मैं रानी के बाप को हक से कह सकता था कि डैडी जी अब तो 5 साल हो गए, आजकल 5 साल सरकार भी नहीं टिकती, लेकिन मेरा प्यार टिक गया, अब तो रानी का हाथ मुझे दे दो। Oh, what the hell, यार? तू हाथ नहीं पैर नहीं पूरी की पूरी रानी मांग ले। I want to respect you, यार। भाई साहब, तू बाप है के सांप है? तूने जो काम मुंडे ने कर दिखाया, अब क्या इस बच्चे की जान लेगा? चल ओके बोल। ओके ये शादी मुझे मंजूर है। ओके और गले लगते ही हमने हिंदी फिल्मों की तरह गाना गाया। ओ रानी, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। व्हाट द हेल यार, थोड़ी बहुत मुबारकबाद हमको भी दे रहे, हम भी बहुत खुश हो रहे हैं भाई। पुत्र नहीं नहीं जी जी, गोविंदा स्टाइल, गोविंदा स्टाइल। अरे मुझे गोविंदा स्टाइल नहीं आता। नहीं नहीं, हमें पता है आप विराट ट्रेन में जाते हैं। जा रहा था मैं तो भेलपुरी खा रहा था, रास्ते से जा रहा था। वो तो मुझे बिल्कुल नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, दही शक्कर चक्कर चक्कर सगाई के चक्कर में मुझे वाकई चक्कर आ गए, तो मैंने रानी से छुपा के अपने सारे मेडिकल चेकअप करवा डाले। हे दूल्हे राजा, हाउ यू फीलिंग? आई एम फीलिंग गुड दीदी। Not feeling very well. क्या हुआ? सर्दी है और पीठ में अभी भी दर्द है। क्यों? रिंग पहनने से? नहीं नहीं, एंगेजमेंट की एक्सरसाइज से। सगाई नहीं, सर्कस था, सर्कस। Okay. सच कहूं, रानी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। And what about you? मैं तो रोज ही लगता हूँ। I missed you, दीदी। I missed you too, baby. तुम्हारी सगाई पे तो नहीं आ पाई, पर शादी पे जरूर आऊंगी। I'll see you later, okay? हेलो, मैं मारिया बोल रही हूँ, डॉक्टर रुस्तम के क्लिनिक से। हाँ मारिया, क्या बात है, बोलो। आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। सब ठीक तो है ना मारिया? हाँ सब ठीक है। आपकी आवाज को क्या हुआ? रिपोर्ट में क्या लिखा है मारिया? मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, आप कल आके मिल लीजिए। सडनली कार्ड क्यों दिया? मरिया डॉक्टर साहब है? अरे डॉक्टर पटेल को जरा फोन देना। हाँ दारा, वो मैंने जिस पेशेंट का रिपोर्ट भेजा था तूने चेक किया क्या? अरे बाप 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 बाप, अरे रे 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 रे। दारा पची फोन करो, बैसो। डॉक्टर साहब, हिमालय कंपनी से कोई आया है। हिमालय से? उसको बोलो हिमालय से जम मारे, मेरे को सर पे बहुत टेंशन है अभी। डॉक्टर साहब मेरे वो, तेरे को सच सच बोलूं मैं तेरे को कुछ नहीं है, सर पे बहुत टेंशन लेता है तुम। ये दवाई ट्रीटमेंट रिपोर्ट तेरे लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है।
पर डॉक्टर हुआ क्या, जरा रिपोर्ट तो दिखाइए। नहीं बताऊंगा, क्या करेगा? अरे भाई ये रिपोर्ट ट्रॉफी या मेडल है क्या, दीवार पे चिपका के उसका आरती करेगा क्या तुम? थिंक पॉजिटिव, लिव लाइफ। पर डॉक्टर मुझे कल चक्कर सा आ गया था। अरे घेल सप्पा, अगर रोज तू मेरी क्लिनिक का चक्कर मारेगा तो चक्कर ही आएगा ना। नहीं नहीं डॉक्टर, वाकई कल मेरी सगाई की पार्टी में आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। ऐसा हमेशा होता है बॉस, मर्दों के साथ ऐसा ही होता है। सगाई के दिन अंधेरा छा जाता है और शादी के दिन बत्ती ऑफ हो जाता है। मेरा बत्ती आज तक ऑन ही नहीं हुआ है। लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। सर इस बार सीरियस है, मैं बता रहा हूँ, इस बार सीरियस है। मेरा बीपी, एसजीपीटी, एमआरआई कोई तो टेस्ट लीजिए ना। तुम बहुत भैया आदमी है, तेरे को कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग में तेरे को वहम है। लाइफ में दो चीज का इलाज नहीं होता है, एक है वहम और दूसरा है कैंसर। अच्छा एक बात बता, कभी भी बुलबुल को गले में टॉन्सिल होता है? बंदरों को कभी डिप्रेशन होता है? सांप को कभी स्लिप डिस्क होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन लोग लाइफ जैसे जीने का जीता है, बिंदास। कुदरत के साथ झगड़ा नहीं करते उन लोग, तेरे जैसा नहीं। बात बात पे दवा गोलियां खा लिया, ब्लडी हाइपोकंड्रिया फूल। मतलब मेरे लिए कोई दवाई नहीं? अरे बाबा तू जानी ढंसा खा, रात को डोप पैक पी, टाटिया लंबा कर, चादर रोटी सोई जानी, सुबह अपने पोरी को लेके तुम वॉक पे ले जाओ नी, टोंग 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 टोंग। थिंक पॉजिटिव, लिव लाइफ दिखरा। ठीक है डॉक्टर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ तक आया हूँ तो मेरी तसली के लिए कुछ तो दवाई दीजिए ना, कोई नई कैप्सूल वगैरह। हाथ ना लगा टॉ, देगा ब्लडी नॉनसेंस मैड फेलो। तेरे दवाई के चक्कर में मैं दवा खा जाता हूँ। मैं दवा नहीं, 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 डॉक्टर आप इस चक्कर में मत फंसिए ना प्लीज। मैं जाता हूँ। मेरा चश्मा। डॉक्टर पटेल, मैंने उसको थिंक पॉजिटिव लिव लाइफ बोल के उससे असली बात छुपा दी। जवान आदमी को कैसे बोल सकता हूँ कि उसको कैंसर है? एक साल में खेल खत्म, ये बात तो कोई भी सुन के लामलेट हो जाएगा ना। मुझे तभी डाउट हुआ था जब मैंने उसका टेस्ट लिया था, इसलिए मैंने आपके पास भेजा फॉर सेकेंड ओपिनियन, बिकॉज यू आर अ कैंसर स्पेशलिस्ट ना। डॉक्टर पटेल अगर वो फोन करे तो आप प्लीज उसको बताना नहीं, बिकॉज इज अ वेरी स्वीट बॉय, मैं अपने स्टाइल से उसको बॉम्ब फोड़ेगा। तुम हिम्मत मत हारो मरिया, उसकी मर्जी के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। जुकाम मेरे को है, इमोशनल ये क्यों हो रहा है? तो डॉक्टर पटेल ने भी कंफर्म कर दिया सर? यस, कैंसर सेकंड स्टेज। मतलब सिर्फ एक साल बचा है उसके पास? बेचारा रॉबिन, व्हाट अ ब्राइट यंग मैन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसे देखिए कौन यकीन करेगा ये मरने वाला। मुझे तभी डाउट हुआ था जब मैंने उसका टेस्ट लिया था, इसलिए मैंने आपके पास भेजा फॉर सेकंड ओपिनियन, बिकॉज यू आर अ कैंसर स्पेशलिस्ट ना। जो है समा कल हो ना हो, अभी अभी पता चला है कि हेल्थ मिनिस्टर श्री सी के लालवानी जी का देहांत हो गया है। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार श्री लालवानी जी कैंसर से पीड़ित थे। लालवानी जी अपने पीछे दो लड़की और एक लड़के को छोड़ के गए हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें अच्छी क्यों लगती हूँ? अच्छी कहाँ लगती हूँ, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। How mean I'm going? Okay, okay. तुम मुझे अच्छी इसलिए लगती हो क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तुम मुझे ऐसी फीलिंग्स देती हो कि मैं दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का हूँ। तुम हो ना। और जैसा भी हो वैसा मुझे अपना कर तुम मुझे चाहती हो। हाँ, क्योंकि हम दोनों का 7 जन्म का कॉन्ट्रैक्ट है। पर हो सकता है ये 7वां और आखिरी राउंड हो, तुम भी फ्री मैं भी फ्री। आशु ऐसे कभी मत कहना प्लीज। देखा जिंदगी ने मेरे साथ कितना फिल्मी मजाक किया। मैं रानी की मांग सितारों से भरना चाहता था, पर अब मैं खुद ही सितारों के पास जा रहा हूं। अगर मुझे पता होता कि मेरी लाइफलाइन बीच से ही कटने वाली है तो मैं रानी को, अरे रानी क्या, किसी भी लड़की को प्यार का, शादी का ख्वाब नहीं दिखाता। समझ में नहीं आता
कैसे खुद अपने मुंह से कहूंगा कि रानी मुझे भूल जाओ, भूल जाओ मुझे। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें छोड़ दूं? मगर क्यों? क्योंकि मैं मरने वाला हूँ रानी, मुझे कैंसर है, कैंसर। क्या कैंसर? तुम्हें कैंसर है? और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि I'll never leave you, आशीष, I love you. रानी भी प्रैक्टिकल, पागल मत बनो। पागल तुम बन रहे हो आशीष। शादी के बाद तुम्हें कैंसर हो जाता तो मैं तुम्हें छोड़ देती। बोलो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती आशीष। I love you आशीष।